अच्छा, ये आज की हमारी जो लोकेशन है ना वो ये है कि एक गांव में हम आए हैं। आज खुद ही खाना वगैरह पकाएंगे और यहाँ पे खाएंगे। आज ईद का तीसरा दिन है तो ईद का तीसरा दिन सेलिब्रेट करेंगे। ये वाला माहौल है यहाँ पे। तो अभी ये मैं खड़ा हूँ, बाकी जो आज की कहानी के किरदार हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। यहाँ पे बस ये है कि हमने अपना वो खाना वगैरह पकाना है और वो खुद ही पका के खुद ही खाएंगे, तो साथ साथ में आपको भी दिखाएंगे उसके बारे में। यहाँ पे हमारा जो है इंतज़ाम अभी शुरू हो चुका है। तो हमारी कहानी के मेन किरदार यहाँ पे जहीर साहब खड़े हैं और दूसरे किरदार ये तसीफ साहब हैं। ये अभी ये लकड़ियाँ काट रहे हैं उसमें डालने के लिए। यहाँ पे हमारी आग जो है ना वो अभी जस्ट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हमारे जो लवाजमात है ना आज के डिश के वो तकरीबन तैयार पड़े हुए हैं। कुछ ये सामान है तो अभी इसकी तैयारी जो है ना वो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा मीट मेन किरदार है, हमारे शेफ़ साहब ये खड़े हैं। ये आज हमें पका के देंगे अच्छा सा बीफ। बीफ को डाल के बर्तन में ऊपर रख दिया गया, अभी स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। ये सख्त मेहनत हो रही है आज के खाने के लिए। यहाँ पे अपने चौरी साहब जो है ना अपना हिस्सा डालते हुए आज के खाने में बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ये सबसे मुश्किल काम है खाने में लहसुन को छीलना, लेकिन फिर भी हम जब खाना खाएंगे तो चौरी साहब का स्पेशल थैंक्स करेंगे और एक मोटी एक्स्ट्रा देंगे इनको। क्या ही बात है, क्या ही कलर निकला है भैया आज के बीफ का। अभी जो है ना भूख लगना स्टार्ट होगी इसको देख के। ये वाली लोकेशन है यहाँ पे आज जो है ना हम खाना खाने के लिए आए हैं। बिल्कुल गांव वाला माहौल है। इधर खेत हैं, इस तरफ ये गली जा रही है और ये इधर हम लोग रुके हुए हैं। वहाँ पे हमारा खाना तैयार हो रहा है और इधर भी ये जानवर बांधे हुए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त पुरसकून सा माहौल है। तो बस अभी खाने का इंतज़ार हो रहा है, खाना तैयार होता है तो फिर आपको भी दिखाते हैं। खाते हैं, ये देखें क्या बात है। अभी जो है ना वो तैयारी तकरीबन हो रही है। ये सारी मेहनत भैया आज के खाने के लिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे गैस का इंतज़ाम तो है नहीं, तो ये लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी। अभी खैर लकड़ी से बचना भी है, भाई अपना इतना कारीगर नहीं है इसमें। बस ये इंतज़ार की घड़ियाँ जो है ना अभी ख़त्म होने वाली हैं और थोड़ी सी देर और है, फिर हमारा जो साधन है वो तैयार हो जाएगा। तो फिर आप सीधा जो है ना वो डिश आउट करके आप करते हैं। क्या बात है, क्या बात है भाई, हमारा बीफ जो है ना रेडी होके आ चुका है। अभी इसको डिश आउट करना है यहाँ पे, तो डिश आउट करते हैं। ये जी हमारा सालन डिश आउट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप पहली बाइट लेते हैं इस गर्मा गर्म सालन की। तो ये हमारी होगी बाइट पहली। क्या बात, चलें आप इसको निपटा के मिलते हैं फिर आपसे। चलें जी, अब टाइम हो गया यहाँ से निकलने का, दावत हमारी ख़त्म हो चुकी है। लास्ट में हमने चाय पी थी तो अब यहाँ से इजाज़त लेते हैं, हम निकलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। Thank you.